सोचा नहीं था वो इस तरह आएगी। कौन है वो? कोई और तरीका नहीं है, यही रहना, कहीं जाना मत, मैं उसे दूर ले जाऊंगी। रुको, क्या ये कोई बड़ी मुसीबत है? तुम आरुओ को निकालो, मैं देखता हूँ। मुझसे वादा करो, चाहे कुछ भी हो जाए तुम बाहर नहीं निकलोगे। हे मास्टर, ये मेरी कमजोरी है, मैंने उसे भागने का मौका दिया। क्या वाकई? मिस रॉन्ग, मैंने तो इसे ढूंढ लिया। तू उसे मुझसे छुपा पाएगी? मास्टर, आप ही ने तो मुझे बताया था कि जब तक मैं उसके साथ नहीं सोऊंगी तब तक मैं उसकी यांग आत्मा हासिल नहीं कर पाऊंगी। अगर आप उसे ढूंढ भी लेगी तब भी आप उसकी आत्मा हासिल नहीं कर पाओगी। कहना क्या चाहती हो? मेरे पास एक तरीका है। झूठ बोलने का नतीजा जानती हो ना तुम? मेरी जिंदगी हमेशा आपकी रहेगी। दुश्मन आ रहा है, तुम मेरे साथ चलेगी तो ही जिंदा रह पाएगी। अरे बूढ़ी डायन भाग गई, तो उसका पीछा करो, मैं यहाँ देखता हूँ। ठीक है, मेरा मंत्र डायन को मुश्किल में डालेगा, ये उनकी रक्षा करेगा। रुक डायन, मैं अभी आया। ताओवादी पुजारी, तो हमेशा मुझसे टक्कर क्यों लेता है? क्योंकि मैं डायनों को बर्दाश्त नहीं कर सकता। ये ले। तू अकेला है। बुढ़िया भूखी है क्या? वो दोनों मुझे खाने में ज्यादा आत्माएं नहीं दे रही हैं। तुझसे भूख मिटाऊंगी। मुझसे? अरे नहीं नहीं नहीं, मैं तो बहुत बदबूदार हूँ। टाइम कहे की अपनी भूख मिटाने के लिए आत्माएं खाती है। मैं 30 साल से कुंवारा हूँ, मुझे हासिल करके दिखा। जैसे ही तू कमजोर पड़ेगी मैं तुझे मार डालूंगा। ध्यान रखना चाहता हूँ। कहाँ गया? मिस रॉन्ग, तुम ठीक तो हो? साइड में आ जाओ। व्हाई किंग? आरु, ये लोग क्या करने जा रहे हैं? मुझे शक है कि ये डायन है।
मैडम मैंने रिपोर्ट की थी, ये आपको मार डालेगी। क्या बकवास है, अगर ऐसा होता तो मैं जिंदा नहीं होती। अरु ये सब बकवास है, इन्होंने मुझे कितनी बार बचाया है, इनके शक का कोई मतलब नहीं बनता। लेकिन असली दुनिया का रास्ता नरक से होते हुए जाता है, पाप और पुण्य दोनों कब्र में ले जाते हैं। पैसों को बहा दो, इसे जला दो, जिंदगी नाशवान है, बिना मोह के सब जला दो। रात के 1 बजे हैं, सोने का समय है, तुम बाहर कैसे जाओगे और गए तो वापस कैसे आओगे? आज यहां एक नई लाश आई है। अरे वाह, कितनी खूबसूरत है ये लड़की, इसे परेशान मत करना नहीं तो खाना नहीं मिलेगा आज, समझे? बेचारी अनजान लड़की, खूबसूरती के पीछे भी दर्द छुपा होता है। कौन है? लाश अंदर ले लो, यहां जगह नहीं है। मेरी बेचारी बेटी नहीं रही, और उसे दफनाने के लिए कहीं जगह नहीं मिली। क्या आप हमारी मदद कर सकते हैं? यहाँ पर जो भी है सब की हालत खराब है, पहले से ही एक लाश पड़ी हुई है यहाँ पर, इसीलिए अब कोई जगह नहीं बची। अगर ऐसा है तो मैं उससे एक चीज लेकर जाऊंगी। एक मरा हुआ इंसान आखिर तुम्हें क्या दे सकता है, चली जाओ। तुम चिंता मत करो, मुझे बस एक चीज उधार चाहिए, वो चीज मेरी लड़की को शांति के साथ जन्नत में पहुंचा सकती है। बदला, इसे जानती हो क्या? उस आदमी ने मेरी लड़की का चेहरा काट दिया था, इस खूबसूरत लड़की की वजह से। वो आदमी जो खूबसूरती की चाहत रखता है, वैसे भी ये मर चुकी है, इसका चेहरा काट कर मेरी लड़की को दे दो।
मास्टर। बहुत ही खूबसूरत। मैं भी अपना चेहरा बदलना चाहती हूँ। मैंने आसपास के गांवों से सुना था कि पुल के पार जाने के बाद एक गांव है जहां बच्चों की तरह दिखने वाला बौना रहता है, जो लोग इन आत्माओं के जरिए नम लाश की देखभाल करते हैं, उनकी त्वचा का गलना आसान नहीं होता है। सारे लोग हैं, अंदर कमरे में चलते हैं। अरे भाड़ में गया कमरा, इतनी खूबसूरती के आगे मैं रुक नहीं सकता। नहीं, नहीं। मैंने मना किया था ना। अरे इसको क्या हो गया? शिकर कैसे ज्यादा पी ली इसने? तुमने सब कुछ गड़बड़ कर दिया, मार दो सबको। मेरे तरफ कुछ गड़बड़ लग रहा है। तुम इसकी चिंता मत करो। अरे खतरे की घंटी, दुष्ट आत्मा। ये सब कैसे हो गया? इतनी शातिर डायन, रुको। इतनी शातिर डायन, एक्सक्यूज मी डायन, ये सब डायन ने किया। इस शहर में जल्द ही मुसीबत टूटने वाली है। भीड़ को हटाते हुए इसे लेकर जाओ। इस शहर में जल्द ही मुसीबत टूटने वाली है। मिस्टर वोंग अपने कीमती खजाने को बेच रहे हैं। जो लोग खरीदना चाहते हैं वो इसकी कीमत पर नजर डाल सकते हैं।
पतला और चिकना, ऐसा लग रहा है चीजें बोल रही हो। ये पेंटिंग वांग वाइकिंग की बनाई होती तो सड़क पर क्यों बेची जाती? हो सकता है ये सब नकली हो, इसलिए आप खरीदने से पहले होशियार रहना। आप कुछ भी बोल रहे हो, आपको कुछ नहीं पता। मिस्टर वांग अभी भी यहाँ है, लेकिन आपको नजर नहीं आएंगे वो। क्या वो वांग वाइकिंग है? अच्छी है। अगर मैडम के लिए पैसों की जरूरत नहीं होती ना, भगवान अच्छी लगी वैसा कुछ ले लेते। ये लाश शत प्रतिशत वैशाल्य के मामले के समान है। ये मामूली तरीका नहीं है। लाल होठ, अजीब सी गंध, घटना के पहले लव का सीन बनाया गया होगा। इसके पीछे शायद डायन का हाथ होगा। लोगों को हटाओ सामने से। चलो जाओ सब लोग, चलो चलो निकलो यहाँ से, देखना बंद करो, चलो। शायद ये वैसा ही है जैसे पुजारी ने बोला था। लाश को छोटे गांव लेकर जाओ और जल्दी आना। जी, जी सर, सर। शैतान लड़की, मेरे साथ आकर मास्टर का स्वागत करो। पिछली रात जो हुआ, क्या तुम वो मास्टर से छुपाओगी? इल्जाम मुझ पर लगना चाहिए, ये मेरी गलती है। मुर्दों की देखभाल करने वाले लोगों की चमड़ी नम होती है। ये तो बस शुरुआत है। ये सफर लंबा चलेगा। इतनी आत्माएं हासिल करना आसान नहीं है। जाने दो। मैंने तुम्हारे लिए नए कपड़े बनवाए हैं, पहन लो। आओ। चमड़ी बहुत अच्छी है और साथ में एक खूबसूरत चेहरा। हालांकि इंसानों की चमड़ी खूबसूरत होती है, फिर भी नम करने के लिए आत्मा तो चाहिए, नहीं तो तुम्हारी दुष्ट आत्मा निकल जाएगी और तुम राक्षस बन जाओगी। चलो तुम भी यहाँ आओ। मास्टर, तुम्हारी चमड़ी का इंतजार करूंगी और शुद्ध यांग आत्मा ढूंढूंगी। इसकी अच्छे से देखभाल करना और शिकार करने वाली डायन से बचना। ये सारी चुड़ैल लोमड़ियों की तरह खूबसूरत है। ये महिलाओं की शक्ल में आकर आदमियों की हवस को जगाने का काम करती है। जो आदमी उनके जाल में फंस जाता है, वो अपनी यांग आत्मा खोकर बहुत मुसीबतों का सामना करता है। फिर से बता दूं, वो चुड़ैल लोमड़ी की तरह खूबसूरत है। लियो, शहर के पूर्व हिस्से में देखो। वांग, तुम भाइयों के साथ जाओ। मैं राजा को रिपोर्ट करता हूँ, जो भी औरतें अश्लील काम कर रही है उन सभी को पकड़ लो। जो आज्ञा। शहर में कर्फ्यू लगा दिया गया है, कोई भी आदमी 7 बजे के बाद बाहर नहीं निकलेगा, कोई भी दिखाई नहीं देना चाहिए। वैद जी, मेरा अभिवादन स्वीकार करें। तुम्हारी पत्नी की बीमारी, अभी बंद है। क्या खुशबू है। मेरी बहन बहुत गुस्सा करेगी,
बहन, अरे आ जाओ, साथ में कुछ करते हैं। मैडम, मैडम, अब आप ठीक तो है ना? मैं ठीक हूं, लेकिन अभी ये ठीक नहीं होगा। कहीं ये मर तो नहीं जाएगा ना? वो मरेगा नहीं, चिंता मत करो, तुम जल्दी से चले जाओ। मैं गया तो तुम अपने आप पर इल्जाम लोगी? पुलिस को खबर करें? पुलिस को खबर करने से भला क्या फायदा? मिस्टर, जल्दी से चले जाओ। हाँ ठीक है, मैं चलता हूँ। तुम किससे बात कर रही हो रॉम? जाओ। मिस्टर, किसे ढूंढ रहे हो? अभी अभी तो मैंने कहाँ गई वो? वो मेरी छोटी बहन है। मिस्टर, आप फिक्र छोड़ो। किंग, मुझे शराब पीते वक्त मत बुलाया करो यार। यहां साथ में एक और आदमी नशे में। मकान मालकिन, इस मोटे आदमी पर मेरे चांदी का हिसाब कितना बाकी है? क्योंकि मैं नहीं जानता, क्या वो मर चुका है? शिकारी डैम की घंटी, शिकारी डैम की घंटी। नजर जमाए रखो। तुम किस तरह की डायन? भागो मत। बहुत ज्यादा रफ्तार है इसकी। बहुत अच्छे, डायन का शिकार करने के लिए तुम बीच में मत कूदो। तुम उठ गए? कल जो लड़की थी, मुझे लगता है वो डायन है। कौन सी लड़की? तुमने लड़कियों के साथ नशा करके रूल को तोड़ा है, इसकी सजा मिलेगी। अब बताओ, भाभी को यहाँ लेकर आऊँ या तुम्हें ले चलूँ? अरे नहीं 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 नहीं, सुनो, तुम्हारी भाभी की तबीयत ठीक नहीं है, वो बिस्तर से उठ भी नहीं सकती, समझे? मैं अपने आप चला जाऊंगा। इन्होंने जो कहा है वो और किसने देखा? हम सबने देखा था। अरे मैं अरुओं के लिए दवा खरीदने आया था। उसके बाद मकान मालकिन ने दवा ले ली। ये कैसे हो सकता है? मुझे कुछ याद नहीं आ रहा है। और मैं चलो एक बार के लिए मानते भी हैं कि तुम बकवास कर रहे हो। बैठो, मैं जो बोलूं बस इतना करना, जैसा वो बोलते हैं वैसा एक चित्र बना दो, मैं तुम्हें वापस भेज दूंगा, ठीक है?
दाहिनी तरफ की भौं नीचे। होठ पर एक तिल है, काफी खूबसूरत है। सही से बताना, गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए। नाक बिल्कुल ऐसी ही है। अब हाँ, ऐसा ही है। क्या बोल रही है तू? तू वाकई उससे मिली थी क्या? बता मुझे, क्या तू सच बोल रही है? हाँ, हम उस विद्वान से मिले थे, लेकिन तभी वहाँ डायन का शिकार करने वाले आ गए, इसलिए दीदी अपना असली चेहरा दिखाने से डर गई और हम वहाँ से निकल आए। अब परेशान ना हो मास्टर, मेरे पास ऐसा कुछ है जो उसे हमारे पास खींच कर लाएगा और तब तक एक आत्मा हासिल कर लेंगे। तुम लोग मजाक करती नहीं हो। आओ, मैंने तुम्हारे लिए कपड़े भी बनवाए हैं। नहीं। क्या तुम्हें नहीं चाहिए? ऐसी हिम्मत भी मत करना। ये हुई ना बात। क्या कर रही हो? तुम्हें अंदाजा भी नहीं तुमने क्या किया। तुम्हें क्या लगता है कि मास्टर हर रोज इसका चित्र क्यों बनाती है? मास्टर इस विद्वान को पसंद करती है? पसंद तो तुम उसे करती हो। ये उस विद्वान के पूर्वज है। क्या? अपने वक्त मास्टर को उनके पूर्वज से प्यार हो गया था। वो अपना सब कुछ छोड़ने के लिए तैयार थी। उन्हें पता था कि वो डायन है, इसलिए उन्हें मारने के लिए उन्होंने शिकारी को बुलाया। क्या लगता है, विद्वान को मर जाना चाहिए? सजा तो पूर्वज को मिलनी चाहिए। हो सकता है विद्वान अलग हो। दुनिया का हर आदमी कामुक है, शायद ही किसी में भावनाएं हो। फिर उनमें क्या अलग हो सकता है? उन्हें बुरी आत्माएं पसंद नहीं, केवल शुद्ध यांग आत्माएं उनका जीवन लौटा सकती है। और एक तुम ही हो जिसने मेरा साथ नहीं दिया और उसे भगा दिया। उसे अपनी तरफ नहीं खींच पाई। मेरे सामने बकवास मत करो। मालकिन को ये कपड़े मुझे देने दो, तुम्हारा ढांचा भी यही होगा। उस कपड़े की हकदार तुम नहीं, सिर्फ मैं हूँ। तुम सिर्फ चलती रहो। अभी बताती हूँ, इन कपड़ों में अलग महक है जो हमारी चमड़ी में समा जाएगी। मास्टर ने हमारे शरीर पर जहर चढ़ा दिया। अगर वो विद्वान को वापस नहीं लाए तो रख कर दिए जाएंगे और डायन बनकर रह जाएंगे। इसलिए तुम इतनी खुश हो जब मास्टर ने मुझे कपड़े दिए? मैं तुम्हें खा जाऊंगी। तुम हर कोशिश करो, मैं तुमसे नहीं डरती। जल्दी दवा लेकर आओ। दवा की दुकान पर कोई नहीं था, लेकिन वहां से एक संदेश मिला। शहर के दक्षिण भाग में 9 मील दूर दवा का पता लगाओ। मिस्टर वोंग, शहर में कर्फ्यू है। ये पर्ची मुझे अजीब लग रही है, प्लीज मत जाइए। मैडम का ध्यान रखना। जिंदगी से ज्यादा जरूरी क्या है? Thank you.
मैडम, आप यहाँ? आप यहाँ क्यों आई हो? अरे वाह, यही तो है, यही रह गया था। यह दवा मेरी पत्नी की जिंदगी बचा सकती है, मैं इसके लिए आपको धन्यवाद देता हूँ। तुम्हारी पत्नी भी है? हाँ। उसका नाम क्या है? उसका नाम है अरु। अरु, दवाइयां चोरी करने की हिम्मत कैसे हुई? अच्छा, अब मैं चलता हूँ। वैसे मैं वांग हुआई किंग हूँ, मुझे आपका नाम नहीं पता, तो मैं आपका एहसान कैसे चुकाऊंगा? मैं शाओरांग। शाओरांग, शराब खाने में आपने उस दिन हमारी मदद की, उसके लिए धन्यवाद। शराब खाना? मुझे लगता है वो डायन है। ठीक है, अब मैं चलता हूँ, शुक्रिया। नहीं, ये बड़ी जल्दी आ गई। कि जल्दी नहीं थी क्या? क्या मैं थोड़ी देर यहां रुक सकता हूं? माया, जादुई शक्ति से मुझे रोक लिया गया। उस तरफ देखो मिस्टर। तेरी इतनी हिम्मत कि तुम मेरे साथ ही खेल रही है? अगर तुम शुद्ध यांग आत्मा वाले इंसान से मिलोगी तो ऐसी आत्मा चोरी करना बहुत कठिन होता है। जब तुम उससे प्यार करोगी तब वो आदमी कमजोर पड़ता है। वही तुम्हारा मौका होगा। आपको चोट पहुंची है इसलिए सांस देना चाहती हूँ। उस दिन शराब खाने में मेरे दोस्त ने कहा था कि तुम्हारी बहन। वो मेरी बहन नहीं है। अच्छा, मुझे लगा ही था। वो सब जाने दो। तुमने मुझे बचाया? तुम्हें तो चोट पहुंची है, मुझे माफ करना, मेरी वजह से तुम्हें चोट पहुंची। दर्द हो रहा है क्या? तुम पागल हो गई हो क्या जो ऐसे देख रही हो? अच्छा होगा आप चले जाओ यहाँ से, यहाँ रहना बहुत खतरनाक है। वो डायन पीछे आती होगी। उससे ज्यादा तो मुझे तुमसे डर लगता है। वापस आ गए मिस्टर वोंग? ये कौन? पहले अंदर चलो। अरुओ,
चिया गुआन, मेरी स्टील की कढ़ाई ढूंढ कर लाओ। अरु, तुम ठीक तो हो ना? साथ में ये कौन है? अरु, तुम इनसे मिलो। इनका नाम मिस रॉन्ग है। खतरों से खेलकर तुम्हारी दवाई लाया हूं। एक बात कहूं, मैं बड़ा बदनसीब हूं। तुम जानती हो, मुझे बचाने के चक्कर में इनको भी चोट आई। तो क्यों ना हम कुछ वक्त के लिए मिस रॉन्ग का यहीं रुकने का कोई इंतजाम कर दें? तुम अब भी मुझे पकड़ना चाहती हो? हाँ, क्यों नहीं। लेकिन उससे तुम्हें कोई फायदा नहीं होगा। तुम उसे कहीं पसंद तो नहीं करती? तुम्हें इससे क्या मतलब? ताओवादी पुजारी तो धीमा है। मैं देखती हूँ कि तू कैसे बचती है। मालिक, देखिए यहाँ पर एक लाश मिली है। यहाँ पर भी एक लाश है। सभी लाशों को गांव ले जाओ और अधिकारी को रिपोर्ट कर दो। हाँ, चलो। नीचे उतरो। तुम हर जगह क्या करते रहते हो? डायन, इन सभी लोगों को डायन ने मारा है। मुझे सबूत दिखाओ, मैं कैसे मान लूं? इस मंत्र को खाओ। सितारे उत्तर से दक्षिण तक चमक कर पूर्ण रोशनी के साथ शीशे सच को सामने लाओ। आइए आइए आइए। अरे डायन, क्या बने? बेहतरीन नमूना है। ओ वाओ। अरे ये तो सुनो, की पेंटिंग तुम मुझे सही नहीं लग रहे। सही तो तुम भी मुझे नहीं लग रहे हो। सिया गुआन। अच्छा, अरे अरे मिस्टर वांग, तुम्हारे माथे के बीच में कुछ है। अरे मुझे बात पूरी करने दो, धक्का क्यों दे रही हो? ये पैसे लो और निकलो। बस यही इज्जत मेरी? तुम्हारे घर में कोई घुसा है? क्या ये काम करेगा? बहुत अच्छा काम करता है। शिया गुआन, 20 रुपए का दो दे दे। हाँ। ये लाल भाई देखो, तुम्हारी पेंटिंग कमाल। अरे यार भाई देखो यार, ये पेंटिंग में कितनी खूबसूरत पेंटिंग है। ये बेचने के लिए नहीं है। इसे बनाने वाला कितना? मिस्टर वांग, माफ कीजिए, मैं गलत पेंटिंग ले आई। आपकी पत्नी अब कैसी है? पूछने के लिए शुक्रिया, अब वो अच्छी है। आज मुझे एक जरूरी काम है, इसलिए मैं चलता हूँ। क्या मैं उनकी देखभाल कर सकती हूँ? हारू, मैडम, हारू, मैडम जरूर खतरे में होंगी। हारू, व्हाई किंग,
चल सकती हो? हम आपकी पेंटिंग्स के बारे में बात कर रहे थे। मुझे माफ कर देना। मैंने सोचा रॉन्ग को अच्छा लगेगा, इसलिए मैंने उन्हें दे दिया। ये मेरे प्यार की निशानी है जो मैंने तुम्हें दी थी, तुम इसे किसी और को कैसे दे सकती हो? रॉन्ग ने ही मुझे अपने पैरों पर खड़े होने की हिम्मत दी और अब मुझे अच्छा महसूस हो रहा है। काफी अरसे से मैं बिस्तर पर रही हूं। शुक्रिया मिस रॉन्ग। चलो चलते। मिस रॉन्ग, आपकी दवाई के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अब आपका घाव कैसा है? मैं आपके लिए दवाई लाया हूं। मैं ठीक हूं। ये तो पहले से ज्यादा बढ़ गया है, दिखाइए मुझे। बेहतर होगा आप जल्दी ठीक हो जाएं। धन्यवाद मिस्टर वांग, मैं कल चली जाऊंगी। मंत्र को खाना, उसके बाद तुम्हें उसका असली चेहरा दिखाई देगा। किस बारे में बात कर रही हो? उनकी कोई गलती नहीं है, ये अफवाह उड़ी है कि शहर में डायन घूम रही है और रहस्य में मोते हुई है, इसलिए सब पर शक करना आम बात है। मिस रॉन्ग कल जाने वाली है, चलो उन्हें अलविदा कहो। घबराओ मत गुआन जी, मैंने सुना है कि डायन बुरी आत्माओं को जमा करती है। मिस्टर वांग बहुत अच्छे है, इसलिए इनकी चिंता मत कीजिए। ये अमृत अरोजी की बीमारी ठीक कर सकता है। डायन कहाँ है? कहाँ है? तुमने इन्हें बुलाया है? ये वो आरुओं के लिए छोड़कर गई है, इसे संभाल कर रखना। क्या सही में कोई डायन है?
पाने वहां। मैडम आप ठीक तो है ना? सच में डायन है। सियाओ रोंग, जान से मार दो इसे। ठीक है मास्टर। मास्टर मैंने ऐसे क्या गलती की? मास्टर आपने मेरा चित्र क्यों बनाया? वो शुद्ध यांग आत्मा वाला है जिसकी मैंने तस्वीर बनाई थी। तस्वीर तूने लगाई? आखिर तुम बताओ वांग ने तस्वीर क्यों बनाई? मुझे कैसे पता होगा? मास्टर, मास्टर इसकी बात मत सुनिए। ऐसे भी हो सकता है कि तुम्हें उससे प्यार हो गया है और तुम उसकी तरफ हो गई हो। उसके प्यार में मैं तुझे मार डालूंगी। मास्टर बहन पर थोड़ा रहम दिखाए। मैं वादा करती हूँ आपसे कि मैं वांग की आत्मा को मैं वापस लेकर आऊंगी। तूने मेरी फिर तस्वीर लगाई? तुम बस मेरी बात मानो और परेशान मत करो। एक सलाह मेरी भी सुन ले, मास्टर के पोस्ट को दोहराना मत। अरुओ, आई किंग अरु, मिस रोंग अब वापस कब आई? क्या आपको अच्छा नहीं लगा मैं वापस आई? अरे नहीं नहीं, मुझे हुआई किंग ने बताया था। अमृत के लिए धन्यवाद, इससे मुझ में सुधार आया। हाँ आपके जाने के बाद ये आपको बहुत याद कर रही थी। अच्छा हुआ आप वापस आ गई, अब जब तक चाहे यहाँ रह सकती हैं। ठीक है, लेकिन मेरी एक फरमाइश है। मिस्टर वांग मुझे पेंटिंग सिखाएंगे। ये कोई मुश्किल काम नहीं, मैं ये कल ही शुरू करवा दूंगी। यहाँ यहाँ पे आओ, सिर्फ 5 रुपए, जल्दी आओ। चलो 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 चलो। मिस्टर वांग, आपको टक्कर दी इसलिए बुरा तो नहीं लगा?
सोचा नहीं था वो इस तरह आएगी। कौन है वो? कोई और तरीका नहीं है, यही रहना, कहीं जाना मत, मैं उसे दूर ले जाऊंगी। रुको, क्या ये कोई बड़ी मुसीबत है? तुम आरुओं को निकालो, मैं देखता हूँ। मुझसे वादा करो, चाहे कुछ भी हो जाए तुम बाहर नहीं निकलोगे। हे मास्टर, ये मेरी कमजोरी है, मैंने उसे भागने का मौका दिया। क्या वाकई? मिस रॉन्ग, मैंने तो इसे ढूंढ लिया। तू उसे मुझसे छुपा पाएगी? मास्टर, आप ही ने तो मुझे बताया था कि जब तक मैं उसके साथ नहीं सोऊंगी तब तक मैं उसकी यांग आत्मा हासिल नहीं कर पाऊंगी। अगर आप उसे ढूंढ भी लेगी तब भी आप उसकी आत्मा हासिल नहीं कर पाओगी। कहना क्या चाहती हो? मेरे पास एक तरीका है। झूठ बोलने का नतीजा जानती हो ना तुम? मेरी जिंदगी हमेशा आपकी रहेगी। दुश्मन आ रहा है, तुम मेरे साथ चलेगी तो ही जिंदा रह पाएगी। अरे बूढ़ी डायन भाग गई, तो उसका पीछा करो, मैं यहाँ देखता हूँ। ठीक है, मेरा मंत्र डायन को मुश्किल में डालेगा, ये उनकी रक्षा करेगा। रुक डायन, मैं अभी आया। ताओवादी पुजारी तो हमेशा मुझसे टक्कर क्यों लेता है? क्योंकि मैं डायनों को बर्दाश्त नहीं कर सकता। ये ले। तू अकेला है। बुढ़िया भूखी है क्या? वो दोनों मुझे खाने में ज्यादा आत्माएं नहीं दे रही हैं। तुझसे भूख मिटाऊंगी। मुझसे? अरे नहीं नहीं नहीं, मैं तो बहुत बदबूदार हूँ। डायन कहे की अपनी भूख मिटाने के लिए आत्माएं खाती है। मैं 30 साल से कुंवारा हूँ, मुझे हासिल करके दिखा। जैसे ही तू कमजोर पड़ेगी मैं तुझे मार डालूंगा। ध्यान रखना चाहता हूँ। कहाँ गया? मिस रॉन्ग, तुम ठीक तो हो? साइड में आ जाओ। क्वाई किंग, आरु, ये लोग क्या करने जा रहे हैं? मुझे शक है कि ये डायन है।
मैडम मैंने रिपोर्ट की थी, ये आपको मार डालेगी। क्या बकवास है, अगर ऐसा होता तो मैं जिंदा नहीं होती। अरु ये सब बकवास है, इन्होंने मुझे कितनी बार बचाया है, इनके शक का कोई मतलब नहीं बनता। लेकिन यूयू, इसने मेरी और मेरी बीवी की रक्षा की है, अगर ये एक डायन है तो इसका असली चेहरा मैं खुद देखना चाहता हूं। मेरे रास्ते से हटो। यूयू, अगर कागजात नहीं है और निर्दोष लोगों को मारना चाहते हैं तो ऐसा नहीं होगा। अजीब लगा जानकर, जरूरत पड़े तो बुला लेना। सिपाहियों तुम लोग अपनी ड्यूटी पर निकल सकते हो। मैडम ये वाकई डायन है। तुम चुप रहो। हुआई किंग, मैं सियाओ रोंग से अकेले में बात करना चाहती हूँ। मुझे पता है तुम भी हुआई किंग को पसंद करती हो और कभी उन्हें चोट नहीं पहुंचा सकती, लेकिन ये बात अभी भी समझ नहीं पाई कि मेरी बीमारी के लिए आपने अपना इतना नुकसान क्यों किया। अगर तुम्हें कुछ हुआ तो मैं भी जिंदा नहीं रहूंगा। अगर आपको कुछ हुआ तो वो भी जीना छोड़ देंगे, वो अभी खतरे में है और मैं ही बचा सकती हूँ। क्यों, आपको इसके पीछे की वजह पता है ना? मैं एक डायन हूँ, आपने उन्हें क्यों नहीं बताया? क्योंकि आप उन्हें पसंद करती हैं, और अगर उन्हें मारना होता तो वो मर चुका होता। भले ही मैं उन्हें बता भी देती फिर भी वो विश्वास नहीं करते। मुझे इस बात का डर है कि कहीं वो भी आपके प्यार में ना पड़ जाए। उन्होंने मुझसे शादी की कोई बात नहीं की, मेरे रहते वो किसी और से शादी नहीं करेंगे। अगर आप वाकई किसी को चोट पहुंचाना चाहती हैं तो उसके लिए मुझे चुनना चाहिए, है ना? ये पुजारी जी अभी तक क्यों नहीं आए? सियागुआ, भाई आप इंतजार करते थक गए होंगे ना, मैं पीने के लिए कुछ लाई हूँ। बहुत अच्छा किया। सियाओ रोंग आपके लिए छोड़कर गई है। मिस्टर वांग, मैं आपके लिए परेशानी की वजह नहीं बनना चाहती। इसके बाद से हम कभी एक दूसरे से नहीं मिलेंगे। उम्मीद है आप अपनी पत्नी के साथ खुश रहे। मेरा दिल धड़क रहा है और आंसू गिर रहे हैं। मुझे यहाँ से निकाल दोगे? यह हमारा घर है, अगर हम यहाँ से चले गए तो कहाँ जाएंगे? चाहे कुछ भी हो जाए मैं बस आपके साथ रहना चाहती हूँ,
मैं अपनी मौत से भी नहीं डरूंगी। अगर मरना ही है तो दोनों साथ में मरेंगे। पुजारी जी, आप अभी वापस आ रहे हैं? उस डायन को पकड़ लिया? अगर पकड़ा होता तो मर चुका होता। तुम तो खुद उस डायन का एक शिकार करने वाले थे ना। तुम पकड़ पाए थे तो मैं भी नहीं पकड़ पाया। कोई मदद चाहिए तुम्हें? यू तुम हो ना। मैं तुम्हारे साथ नहीं। अगर तुम पीछे हट गए तो कौन मेरे साथ आएगा? मैं जाकर देखता हूं। ये मेरे प्यार की निशानी है जो मैंने तुम्हें दी थी। तुम इसे किसी और को कैसे दे सकती हो? वॉन्ग, रॉन्ग कहाँ है? वो चली गई। चली गई? नहीं, डायन मेरे मंत्रों को पार नहीं कर सकती। उसकी गंध आ रही है बिल्कुल यहीं से। हमें अकेला छोड़ दो। मैं और आरुओ किसी की दखलंदाजी नहीं चाहते। वॉन्ग, मुझे माफ कर दो। माफ कीजिएगा कमरे के अंदर सिर्फ अरुआ जी ही है। मुझे शक है कि वो एक डायन है। पुजारी, तुम्हारा दिमाग तो ठिकाने पे है। यू वॉन्ग, क्या आप भाभी को लेकर आ सकते हो ताकि इसका शक दूर हो जाए? यू, तुम्हारा दोस्त होने के नाते मैं तुम्हें शर्मिंदा नहीं करना चाहता, लेकिन अगर कोई ऐरा गहरा घर आकर बदतमीजी करेगा तो मैं चुप नहीं बैठूंगा। बुआ, अब तुम क्या कहोगी? मुझे भी लगता है कि वो मैडम नहीं है। ढूंढो उसे। खबरदार, मजबूर मत करो वांग। यदि तुम्हारी पत्नी डायन नहीं है तो वो बाहर आकर अपनी बेगुनाही साबित कर सकती है। आरुओ, चलो चलते हैं, चलो। इसकी तो ठीक है। मैं अपनी कटी हुई उंगली की कसम खाता हूं, मैंने जो भी बोला वो सच है। डायन को जिंदा रहने के लिए यंग आत्मा चाहिए। अगर वो एक डायन हुई तो उसकी आत्मा 7 दिन के अंदर सड़कर राख हो जाएगी। भरोसा कर सकते हो तो करो, 7 दिन के अंदर सच्चाई का पता चल जाएगा। ठीक है, मैं 7 दिनों का इंतजार करूंगा। मंत्रों से होकर गुजरेगी तो आत्मा राख हो जाएगी। देखता हूं कब तक टिकेगी। अरु, तुम ठीक तो हो ना? लगता है मेरी बीमारी फिर से आ रही है। चिंता मत करो। मैं भाइयों के लिए वाइन लेने जा रही हूं। ठीक है।
भाई, क्या आप मेरा एक काम करेंगे? बताइए क्या काम है। क्या आप ये मंत्र उतारकर मुझे दिखा सकते हैं? ये मंत्र पुजारी के हाथों लगाया हुआ है जिससे डायन को रोका जा सकता है। इसीलिए तो मेरी इच्छा हो रही है, क्या उसे उतार कर दिखा सकते हैं? रुको, ठीक है ठीक है। अब ठीक है ना? वैसे मेरा नाम सियावलियू है। आप बहुत शांत है आज। भाई देखो इसकी खुशबू कैसी है। अगर भस्म नहीं होना चाहती तो इसे काम में लाओ। वांग की शुद्ध यांग आत्मा जल्दी हासिल करो। मालकिन से झूठ बोलने का नतीजा पता है। ओडलिन जी, सीआईओ लियो कहां पर है? सीआईओ लियो शायद गुआ के साथ ड्रिंक कर रहा है। तुम आराम करो, अंदर अभी भी कुछ दवाइयां हैं, मैं तुम्हारे लिए काढ़ा बनाऊंगा। मिस गुआन, सीआईएलयू कहां पर है? मिस गुआन, मिस गुआन, कुछ गलत हुआ है क्या? हमें नहीं पता मिस वांग डायन है या नहीं, अंदर कुछ भी हो सकता है। मैं अंदर जाने वाली, क्या तुम मेरे साथ चलोगे? मिस वांग, मिस वांग, मिस गुआन, आज रात तुम्हारे पास आखिरी मौका है। मास्टर तुम्हें छोड़ेगी नहीं। डायन, मिस गुआन, आप निकलो यहां से। आरुओ, तुम बिस्तर से क्यों उठ गई? चलो आओ। वो डायन, उसने बाहर आकर हमला किया। वांग, जल्दी बाहर आओ। वांग, क्या आप इसे पहचान सकते हो? यह मेरी पत्नी की खास चीज है, वो इसे कभी नहीं छोड़ती। पहाड़ों की धारा के किनारे मंडप और यहां पुराने दोस्तों की मौजूदगी। हम आपकी पेंटिंग्स के बारे में बात कर रहे थे।
आरुओ नहीं हो। कौन हो तुम? ये एक टायर है। बीम पर कोई है? डायन, मैं तेरी जान ले लूंगा। क्वांग, अभी से ध्यान से देखो, ये एक डायन है। अभी बताता हूं मैं इसे। ये ले, जाकर उसका पीछा करो। तुमने शाओ गुआन को मार दिया। उसकी चमड़ी के बिना मैं अपनी बहन की आत्मा को कैसे देती? मेरी पत्नी कहाँ है? क्या सिया गुआ तुम्हारी पत्नी है? कहाँ है वो? मैं तुझे जान से मार दूंगा। तुम्हारा खून तो ठंडा है, उसके प्यार में हो, लेकिन उसे मारना चाहते हो। मुझे अभी पता चला कि तुम उसके लायक नहीं। पर मेरी एक बात समझ में नहीं आई, जब तुम उसके साथ रिश्ता बना चुके हो तो वो तुम्हारी आत्मा हासिल क्यों नहीं कर पाई? शायद तेरे अंदर ईमानदारी कूट कूट कर भरी है। मैंने उससे पहले ही कहा था कि वो मास्टर के कदमों पे ना चले, लेकिन वो बकवास करती हो। तुम एक धोखेबाज आदमी की औलाद हो। तुम जैसे घिनौने लोगों की वजह से मेरा आज ये हाल हुआ है। तुम ही हो ना जिसने रोंग को अपने जाल में फंसाया। बूढ़ी डायन, तूने बहुत बकवास कर ली। बीड़ा के मास्टर की बात मत सुनो। शुद्ध यांग आत्मा भूत कब्जा ने कहा दे। इतने सारे शब्द के अंजुन, काली शक्ति के खात्मे के लिए 5 आंतरिक शक्तियों को जगाइए। चीते जैसी मार हो, दुश्मन पर प्रहार हो, भूत प्रेत या राक्षस उनके जीने पर विचार हो, तीनों लोगों के रक्षक हमारे अंदर आइए, अंदर आइए, अंदर आइए, अच्छाई के सामने बुराई को भगाइए। रॉन्ग होना
तुम्हारू कहाँ है? मैंने उसकी तरह लगने की बहुत कोशिश की, फिर भी मुझे आपका प्यार क्यों नहीं मिल पाया? तुम एक डायन हो, तुम कभी नहीं समझ पाओगी कि प्यार क्या चीज है। मैं तुमसे फिर से पूछ रहा हूं, अरुओ कहाँ है? उसे मेरे पास वापस लाओ। आपने मेरा चित्र बनाया, फिर भी आप कैसे कह सकते कि आप मुझे पसंद नहीं करते? मैं तुम्हें कभी पसंद नहीं करता था। कभी नहीं। तुझ पर मेरा हक है। स्वर्ग और पृथ्वी काली शक्ति को गुमान, दैवीय शक्ति हो प्रधान। जीते जैसी मार हो, दुश्मन पर प्रहार हो, भूत प्रेत राक्षस उसके जीने पर विचार हो, वहां मैं तुम्हें एक आखिरी सांस दूंगा। उसका शुद्ध रक्त डायन की सांस तोड़ सकता है। सुनो यू, वांग हुआई किंग तुम्हारा बदला ले लिया। उठ गए? हुआई किंग, वो मुझे अभी भी आईने में क्यों दिखाई दे रही है? असल में ये एक भ्रम है जिसे पैदा करने वाला तुम्हारा दिमाग है। वो अरुओ है तुम्हारी पत्नी। अरुओ कहाँ है? वो बीमारी की वजह से वो गुजर गई। नहीं रही, आईने में जिसे मैंने देखा वो मेरा वहम था, और जो मेरे दिल में है वो दूसरी औरत कौन है? कौन है वो? नहीं पता, मुझे समझ नहीं आ रहा।
डायन, तूने देखा ये तू ही है जिसने वांग हुआई किंग को मार डाला। डायन और इंसान एक साथ नहीं रह सकते। मैं चाहता हूं तुम इन सब बातों को भूल जाओ और सभी लोगों को चोट मत पहुंचाओ। तुम्हें तभी जाने दूंगा। मैं सब भूलने की बजाय मरना कबूल करूंगी। ताओवादी पुजारी, मैं वांग की जान बचाना चाहती हूँ, सचमुच दिल से चाहती हूँ। मिस्टर वांग, आप आरो से बहुत प्यार करते हो, फिर मैं उसे कैसे चोट पहुंचा सकती थी? आपने मुझे पेंटिंग सिखाई, मैंने आईब्रो बनाना सीखी, मैंने खुद के चेहरे और उसकी हड्डी को कई बार और कई तरह से काट कर आरो जी की पेंटिंग की तरह खुद को ढाल लिया। अगर मैं उनकी तरह बन जाऊं तो क्या आप मुझसे प्यार करोगे? क्या ये सही होगा?